अगर आप भी मॉर्निंग में ऐसा हेल्दी सा नाश्ता करना चाहते हैं ना, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पहले सोया चंक्स को 40-45 मिनट के लिए पानी में भिगाना होता है, और फिर उसको ऐसा थोड़ा सा मतलब टाइट हाथों, पहले 2-3 पानी से धुलने के बाद टाइट हाथों से मतलब ऐसा स्क्वीज़ करके उसका पानी निकालना होता है। फिर पैन में डालना है तेल, थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ, और उसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद फिर इसमें ऐड करना है वो जो सोख पानी से निकाल के रखा था ना हमने सोया चंक्स को, वो ऐड करना है, और इसको ऐसा 2-3-4 मिनट के लिए थोड़ा भून देना है। और भूनने के बाद फिर इसमें ना हमें बेसन का ऐसा 2-3 पिंच ऐड करना होता है, बस ऐसे ही कि थोड़ा सा ऑयल ना इसको ऐसा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, बहुत ऑयली ना लगे खाने में। इसके लिए हमने ऊपर से थोड़ा सा बस 1 स्पून डाला होगा, इससे ज़्यादा नहीं डाला होगा। और फिर डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए थोड़ा और चला देते हैं। चलाने का आइडिया आपको इस बात से लग जाएगा कि जब भी ये थोड़ा सा अच्छा खाने लायक हो जाएगा ना, ये ऐड करा हुआ था हमने थोड़ा सा, जब भी ये हो जाएगा तो ऐसा ब्राउनिश ब्राउनिश दिखने लगेगा, मतलब ऐसा तले में थोड़ा सा चिपकने जैसा होने लगेगा। फिर ये ऐसा हो जाएगा कि आप ऐसा नाश्ते के लिए बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और फिर इसको बस थोड़ी देर चलाना होता है, उसके बाद फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चूँकि मैं बस सिर्फ अपने भर का बना रही थी तो थोड़ा सा ही बनाया। फिर इसमें ऐड करते हैं टमाटर, टमाटर ऐड करने के बाद फिर इसमें ऐड करते हैं हम थोड़ा जो भी चीज़ें ऐड करनी है आपको ना थोड़ा अच्छे से चॉप करना है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था कि मुझे बिल्कुल अच्छा चॉप करना नहीं आता है मुझे, मतलब करना आना इन द सेंस कि मैं बस एम ही कर लेती हूँ बस। फिर गाजर टमाटर और प्याज को डाल देना है, डालने के बाद फिर इसको मिक्स कर देना है। और फिर इसमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट डालने के बाद इसमें ऐड करना होगा थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद थोड़ा ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर के बाद फिर इसमें थोड़ा सा डालना होगा ड्राई मैंगो का पाउडर, ये मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे जनरली हर चीज़ में पसंद है। और फिर इसमें ऐड करना होगा आपको लेमन का 1, मतलब ऐसा नॉर्मल जिससे हम खाना खाते हैं ना वो वाले स्पून से 1 स्पून। और फिर बस इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिक्स करना है सब कुछ, और बस बन गया ये सुपर हेल्दी टेस्टी, थोड़ा सा कम ऑयल में बनता है और प्रोटीन रिच तो सोया चंक्स बहुत ही होता है। वेजिटेरियन लोग्स के लिए तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो इन्जॉय करिए ये अच्छा सा नाश्ता, और अगर आप सबको अच्छा लगा तो बस शेयर करिए और सबको भी हेल्दी खिलाइए। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा था, आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा ये यम्मी सा नाश्ता। सो इन्जॉय इट।